नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। एम प्रो का एम बयालीस सौ मैंने बताया था कि पीछे के इसके जो स्विचेस होते हैं और इस कनेक्शन वो मैं आपको बताऊंगा। ये दो इनपुट के सॉकेट्स हैं, ये चैनल ए चैनल बी इनपुट कर सकते हैं और इससे लिंक आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके टर्मिनल्स हैं, ये दोनों प्लस हैं और ये दोनों चैनल के अलग अलग हैं। जब आप इस पर एक स्विच देखेंगे, ये आपका मोड चेंज करने के लिए है। ये आप देखेंगे स्टीरियो, आपको देखेंगे स्टीरियो मोनो और ब्रिज। तो जब आप इसको स्टीरियो पर रखते हैं तो आपको दो इनपुट देने पड़ते हैं अलग अलग चैनल, दोनों को बजाने के लिए अलग अलग आपको इनपुट देना पड़ता है। जब आप इस स्विच को बीच में कर देते हैं, जब ये मोनो पे आ जाता है एकदम, तो नीचे की स्विच आप देखेंगे इसमें स्टीरियो मोनो और ब्रिज होगा। जब आप इसको बीच में कर देंगे तो आप चैनल ए से, चैनल ए में आप एक इनपुट देंगे और दोनों चैनल एक ही ऑडियो से आपके इनपुट से दोनों चैनल बजेंगे। हाँ, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग काम करेगा बट इनपुट आपको एक ही देना पड़ेगा, आप एक ही इनपुट लीड से काम करा सकते हैं। और जब आप इसको ब्रिज पे कर देते हैं, जब आप इसे ब्रिज पे कर देते हैं तो ये दोनों चैनल जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, थोड़ा अच्छा बढ़ जाता है। फिर आपका ये ग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता, जो ग्राउंड की दोनों पिन टर्मिनल होते हैं इससे मतलब नहीं होता है, तब दोनों चैनल जुड़ जाते हैं। और आपका ये दोनों जो आउटपुट आप लेंगे स्पीकर का, ये दोनों पॉजिटिव से ही लेंगे ब्रिज मोड में। उसमें आपका प्रेशर बढ़ जाएगा बट उसमें एम्पलीफायर का लोड कम हो जाता है। मतलब आप अगर ये अगर 4200 वाट मशीन है, 2200 वाट पर चैनल मान के चलिए, तो ये तकरीबन 2800 से 3000 वाट तक का लोड ले पाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। खैर, ये इस ब्रिज मोड में ये एम्पलीफायर ज़्यादा हीट होते हैं, ये मैंने बजा के भी चेक कर चुका हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मैं आप लोग से ये कहूँगा कि ब्रिज मोड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल मशीन है। ब्रिज मोड तब यूज़ किया जाता है जब आप एवो 18 इंचेस 2000 वाट के ऊपर के स्पीकर बजाते हैं, तब उसमें आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहता है, तब आप यूज़ करते हैं। ये क्लिप होता है, क्लिप 4 ओम्स 8 ओम्स, तो आपने स्पीकर बजाने 8 ओम्स या 4 ओम्स जैसा आपका स्पीकर हो आप उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद आपका ये जो है इनपुट का वोल्टेज, ये आपका बताता है कि आपको जो है कि ऑडियो की क्वालिटी, ऑडियो का मतलब कम ऑडियो चाहिए ज़्यादा ऑडियो चाहिए, ऑडियो के वोल्टेज के लिए होता है इनपुट वोल्टेज होता है। इससे आप स्लाइड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेन इसमें ज़्यादा होता है 0.77 वी पे, और यहाँ थोड़ा कम मिलेगा और 1.5 वी पे कम और भी कम आपको। ये जब आप ग्राउंड पे रखते हैं तो ये पूरी की पूरी एम्पलीफायर बॉडी ग्राउंड रहती है, ठीक है। और जब आप इसे लिफ्ट कर देते हैं तो ये एम्पलीफायर का जो ये ग्राउंड होता है ये बॉडी को छोड़ देता है, ये बॉडी ग्राउंड नहीं होती है, ये ग्राउंड और लिफ्ट इसलिए अलग होता है। और यहाँ एम्प्रो में आपको दोनों चैनल के लिए अलग अलग जो है कि आपको क्रॉस ओवर मिलते हैं, यानी आप इसे फुल रेंज 15 इंचेस के आप 3 इंची या 4 इंची कॉइल बजा रहे हैं तो फुल रेंज पे रखेंगे, लेकिन जब आपको सब ऊपर बजाना है तो आप इसे लो पे कर देंगे तो आपको इसमें बेस मिलेगा, और जब आप इसे हाई पे कर देंगे तो आप इसे टॉप जैसे 12 इंच के स्पीकर्स हो गए या लाइनर हो गया अब इसे बजा सकते हो। उसमें आपका थोड़ा ये आउटपुट ज़्यादा होता है इसकी, क्योंकि ये पावरफुल मशीन है, क्लास एच है, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि आपका स्पीकर पर जो वोल्टेज आउट होता है वो भी आपका ज़्यादा ही होगा, तो उसमें आपका जो है कि हल्के स्पीकर जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थे इसके पीछे की, ये आपके दो आपके स्पीकॉन दिए हैं, इसमें दो स्पीकॉन है आउटपुट के लिए, आउटपुट ए आउटपुट बी, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो है कि इसमें देखिए चैनल ए चैनल बी दोनों के लिए एक एक आउट दिया हुआ है, +1 +1 -1, यानी यहाँ का +1 और -1 पे ही आपका है, और इसमें भी +1 और -1 पे, आउट बी में भी। कई एम्पलीफायर्स में क्या होता है आपका, कई एम्पलीफायर्स में जैसे अभी भी आपका एमटी सीरीज के आप एम्पलीफायर लेंगे तो उसमें आपको मिलता क्या है कि एमटी सीरीज के एम्पलीफायर में ये जो +1 और -1 पे आपका चैनल ए निकाल देंगे और इसी आउट ए में ही +2 और -2 में आपका चैनल बी भी निकाल देते हैं, यानी आप एक ही स्पीकर से दोनों चैनल बजा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपका स्पीकर अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो वो लोड पे गल जाता है, या तो फिर कई बार लोग क्या करते हैं कि स्पीकर के जो चारों पिन होते हैं उन्हें शॉर्ट करा देते हैं, उन्हें आपस में प्लस वाला प्लस में माइनस वाला माइनस में मिला देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप स्पीकर लगाते हैं तो आपका मशीन, आपका एम्पलीफायर जो होता है वो हीट होने लगता है, क्योंकि आपके दोनों के दोनों स्पीकर आपस में मिल जाते हैं। कई बार उस टाइम पे एम्पलीफायर फॉल्ट भी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी स्पीकॉन यूज़ करें टर्मिनल के बजाय, अगर आप स्पीकॉन यूज़ करते हैं तो आप कभी भी स्पीकॉन के सॉकेट्स को, अगर आप ब्रांडेड एम्पलीफायर जैसे आप यूज़ करते हैं एम प्रो तो ठीक है, अगर आपने यूज़ करना है एम टी ए प्लस या कोई और एम्पलीफायर आपको यूज़ करना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है कि
आप चारों के चारों आप ना मिलाएं, क्योंकि अगर आप चारों पिन मिला देते हैं, जैसे प्लस का ए प्लस वन और माइनस वन एक में मिला देते हैं, और प्लस टू सॉरी प्लस वन और प्लस टू एक में मिला देते हैं, और माइनस वन माइनस टू एक में मिला देंगे, तो आपका जो है कि फॉल्ट होने के चांसेस इस एम्पलीफायर में तो नहीं, बट एमटी सीरीज के एम्पलीफायर में और सीए सीरीज जो आती है आपकी सीए एमटी, तो उन सब में ये फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो भाई दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। और आपको मैं एम्पलीफायर की रिपेयरिंग की अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे हर तरह के मॉस्फेट एम्पलीफायर रिपेयर करता हूँ, और आपको दिखाऊंगा सीए के एम्पलीफायर, और इवन मैंने असेंबल भी करता हूँ। मैं खुद के सर्किट भी डिज़ाइन करता हूँ, कभी आपको वो भी दिखाऊंगा सर्किट डिज़ाइन किया हुआ, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।